गुरु परंपराम शारदा शारदाम्बुजे वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। भगवान की कृपा से आज हम सभी लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात है कि संपूर्ण अखंड भारत में जो कश्मीर देश है ये स्वर्ग माना जाता है। कुछ वर्षों से यहाँ का जो मूल निवासी लोग कुछ कारणवशात इस धरती को छोड़कर बाहर जाना पड़ा, ये अत्यंत दुख की बात है। परंतु भगवान की कृपा अभी ऐसे हैं, हमारा जो भारत देश का जो सिर माना जाता है कश्मीर देश का, पुनः वैभव जो पुराने सांस्कृतिक पौराणिक धार्मिक ऐतिहासिक वैभव प्राप्त करने वाले हैं, इसके लिए हनुमान जी का संपूर्ण आशीर्वाद अभी हमारा कश्मीर वासियों को मिल गया। हम भी नहीं सोचा ऐसा यात्रा होता ही करके। आप सभी लोगों को विदित है कि जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि में राम भगवान के लिए मंदिर बन रही हैं, ऐसे ही हनुमान जी का जन्मस्थली पंपा क्षेत्र किष्किंधा में भी हनुमान जी के लिए भव्य मंदिर निर्माण का आयोजन कार्य आरंभ हो रही है। उसके पहले हनुमान जी अपने प्रभु के साथ ये संकल्प किया कि हम एक बार कश्मीर जाए। इसी लक्ष्य को लेकर हमें किष्किंधा से साक्षात कश्मीर आया। कश्मीर आने के बाद हनुमत जन्मभूमि रथ यात्रा को इतना अत्यंत भव्य स्वागत हुआ, इतिहास में कोई नहीं सोचा। पहला दिल्ली में कार्यक्रम करके कुरुक्षेत्र से यहाँ जम्मू आया, जम्मू से श्रीनगर गया, श्रीनगर से टीटवाल गया। भगवान की कृपा से हनुमान जी का ये दिव्य रथ हमारी जो सीमा तक पहुँच गया। हम भी नहीं सोचा ये नवरात्रि पर्व दिन है, इतिहास में ये कश्मीर धरती शारदा मैया का जन्मस्थान माना गया है। नमस्ते शारदा देवी कश्मीर पुरवासिनी, ये कश्मीर में रहने वाले सर्वदा रहने वाले माँ सरस्वती का स्थान है। अभी कश्मीर सर्वज्ञ पीठ एक ऐतिहासिक पौराणिक पीठ है, शारदा मैया का दिव्य स्थान है। आद्यशंकर भगवतपाद जी कालटी में जन्म लेकर कश्मीर आकर उस कश्मीर सर्वज्ञ पीठ में विद्वान लोगों को हराकर जगतगुरु स्थान पर प्रतिष्ठित होता है, ऐसा दिव्य स्थान है। अभी कुछ कारणवशात पर विधर्मियों के कारण वो भूमि कब्जा में है, वहां जाकर शारदा मैया को प्रणाम करने के लिए सौभाग्य से वंचित हो गया हम सभी हिंदू सनातनी लोग। अभी भगवान की कृपा से कुछ लोगों के प्रयास से भारत भूमि में अभी जो टीटवाल में जहाँ है वहाँ एक टेम्पररी माता के लिए एक मंदिर बनाया गया। भगवान की कृपा से ये नवरात्रि में स्वतंत्र होने की बात पहली बार नवरात्रि आरंभ हुआ, ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है। और बहुत सारी काम बाकी हैं, जो हमारा लक्ष्य है मूल जो सर्वज्ञ पीठ है अभी पीवो के में है, वहाँ जाकर वह जीर्णोद्धार होना चाहिए, वहाँ शारदा मैया का प्रतिष्ठा होना चाहिए। ये एक व्यक्ति का काम नहीं, इसके लिए साक्षात हम सभी लोगों की सौभाग्य की बात है कि ये सारी कार्य हनुमान जन्मभूमि से हनुमान जी आकर कश्मीर में विराजमान होकर करा रहे हैं। और इतना ही नहीं, इतिहास में आप सभी लोग जानते हैं जो भी व्यक्ति भारत नागरिक कश्मीर जाकर लाल चौक में खड़े होना है तो 5 मिनट के लिए उसका बहुत मुश्किल हो जाते थे। उसी समय अभी पूरा जो परिस्थितियाँ बदल गया। बहुत लोग हमसे निवेदन किया, महाराज जी इतना बड़ा रथ लेकर आप कश्मीर जा रहे हैं, ये तो संभवता है क्या? अरे भैया हम तो नहीं जा रहे, साक्षात हनुमान जी जा रहे हैं। कुछ लोग पूछा कि हमसे अभी वातावरण कैसे है कश्मीर में। अभी कश्मीर में वातावरण इतना आह्लादित वातावरण है, एक ही प्रूफ है, इतना बड़ा दिव्य रथ सीमा तक पहुंचा, नवरात्रि शुरू हो गया, वहां से लाल चौक आया,
वहाँ हनुमान चालीसा पाठ पाठ पूजा पाठन हुआ, आरती पाठन हुआ, गांव गाँव में जनपद जनपद में लोग स्वागत किया, आर्मी लोग स्वागत किया, वहाँ पुजारी लोग स्वागत किया, पत्रकार बंधु लोग स्वागत किया, इतना दिव्य तरीका से पदार्पण हुआ। इसका मतलब अभी हमारा कश्मीर का द्वार खुल गया, अभी तक पूरा तरीका से बंधित हो गया, अभी पूरा द्वार खुल गया। हम अनुरोध कर रहे हैं ऐसे ही अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजन हो, हमारा कश्मीर का मूल निवासी लोग यहाँ से माता की गोद से बाहर चले गया वो सभी लोगों को हमारा कश्मीर माता पुनः वापस बुला रहे हैं। कश्मीर का द्वार खोल गया, आप बॉम्बे में हो या दिल्ली में हो या विदेश में हो, हम अनुरोध कर रहे हैं कि अभी हमारा स्वर्ग स्वरूपी कश्मीर धरती के लिए आप सभी लोग वापस आ जाइए। इसके लिए गवर्नमेंट का भी एक दायित्व होता है, उसका मूलभूत सौकर्यों को वहाँ व्यवस्था करना, क्योंकि एक परिवार के साथ आकर रहना है तो उसका रोजगार की बात भी आता है, उसका बच्चों की स्कूल का भी आता है, और इसके साथ साथ जन लोगों का जो मूल स्थान है वो लोगों को भी लौट आना चाहिए, इत्यादि अनेक कार्य संपन्न हो रही हैं। ये सारी हनुमान जी की कृपा से हो रही, वो साक्षात हनुमान जी श्रीनगर से कल यहाँ हमारा जम्मू में पदार्पण हुआ, आज शाम 4 बजे रघुनाथ जी के मंदिर में यहाँ से वहाँ तक शोभा यात्रा होने वाले है। हम हमारा जम्मू में सारी भक्त लोगों को अनुरोध कर रहे हैं कि ये संपूर्ण कार्यक्रम आप सभी लोगों को आशीर्वाद देने के लिए हो रहे हैं। 7 बजे वहाँ रघुनाथ मंदिर में भव्य आरती कार्यक्रम आयोजन किया गया है। हम भक्तादि लोगों से विनोद अनुरोध कर रहे हैं कि अभी हनुमान जी आप सभी लोगों को आशीर्वाद देना है, आशीर्वाद देने के लिए ये धरती में आया। ये यात्रा पहली बार एक आरंभिक यात्रा हुआ, अगले वर्ष से इसका परिपूर्ण विस्तार रूप से हर वर्ष यात्रा होने वाले हैं। हमें कश्मीर जनता लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, नवरात्रि में जो भी कार्य शुरू करें वो दिग्विजय होता है। अभी नवरात्रि में ये कार्य संपन्न हो रहे, ऐसे ही न केवल नवरात्रि, आने वाले कार्तिक मास में और उत्तरायण पुण्यकाल में और वसंत पंचमी और श्री पंचमी, अक्षय तृतीया, रामनवमी, कृष्णाष्टमी, गणेश चतुर्थी इत्यादि सारी त्योहार शुरू कर दिया जाए, और कश्मीर में जो भी मंदिर जीर्ण हो गया सारे मंदिरों को जीर्णोद करा दिया जाए, और कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक वैभव थे, कश्मीर पंडित लोग विद्वान लोग विदेशियों से आकर यहाँ पढ़ते थे, ऐसा गुरुकुल भी स्थापन कर दिया जाए। और विशेष रूप से ये भी हमें प्रार्थना किया माँ भगवती के हनुमान जी की चरणों में, वहाँ हमको ये भी सौभाग्य मिला कि वैष्णो देवी के मैया सान्निध्य में प्रार्थना करने के लिए हमारी जो भारत की जो सीमा को रक्षा कर रहे हैं विशेष रूप से फोर्स, ये आर्मी लोगों के लिए एयरफोर्स लोगों के लिए हमारा हनुमान जी संपूर्ण कृपा आशीर्वाद दे, अत्यंत शक्ति दे, बल दे, नागरिक लोगों की मन में अभी तक जो डर है जो पीड़ा है सारी निवारण हो जाए, सस्य श्यामल हो जाए हमारा कश्मीर धरती। ये हमारा कार्यक्रम की आयोजन की विशेषता है। और एक और बात भी है, जैसे राम जन्मभूमि में मंदिर बन रही है ऐसे किष्किंधा में भी हनुमान जी के लिए तो भव्य मंदिर का तैयारी का आयोजन है, शिला पूजन भी होना है। हम कश्मीर जनता लोगों को हमारा किष्किंधा क्षेत्र के लिए भी स्वागत कर रहे हैं।